नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्भय सिंह भाटी और आप देख रहे हैं इंडिया बेस्ट। अब भारत सरकार जल्द ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसको लेकर संकेत दिए हैं। सरकार का मानना है कि ई कॉमर्स कंपनियां पैकेजिंग के लिए बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल करती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में सालाना 1.78 करोड़ टन प्लास्टिक की खपत होती है, जबकि इसका 35% हिस्सा सिर्फ ई कॉमर्स कंपनियों के पैकेजिंग का ही है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ई कॉमर्स कंपनी ग्राहकों के सामान को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कई परतों में पैकेजिंग करती है, लेकिन सामान को पहुंचाने के बाद ना तो उस कचरे को इकट्ठा किया जाता है और ना ही उस कचरे को रिसाइकल किया जाता है। ऐसे में लोग उसे कहीं भी फेंक देते हैं, बाद में उसका कचरा बन जाता है। सरकार के इस रुख के मद्देनज़र अब कंपनियां प्लास्टिक के रोकथाम के लिए तैयारी कर रही है। ऐसे में अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी विश्व की बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ने 2020 तक सिंगल यूज प्लास्टिक के पैकेजिंग को 100% खत्म करने का फैसला किया है। कंपनी ने फिलहाल पेपर कुशन की शुरुआत की है, जो प्लास्टिक पैकेजिंग की जगह लेगा। इस पेपर कुशन में प्रोडक्ट को सुरक्षित रखा जा सकेगा। ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा साल के अंत तक इसे सभी सेंटरों पर लॉन्च कर दिया जाएगा। इससे पैकेजिंग में प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने में मदद मिलेगी। वहीं भारत की बात की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक हर भारतीय साल में 11 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। ऐसे में देश में लगातार प्लास्टिक कचरे की खपत बढ़ती जा रही है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन और कई तरह के अभियान के जरिए देश को प्रदूषण से बचाने के प्रयास भी तेजी से किए जा रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप हमारे वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा।